हार्दिक नमन करते हुए सबसे पहले तो सर को परम आदरणीय सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एसपी सिंह सर को, कि आज मुझे ये जो गौरव प्राप्त हुआ है इस सम्मान कार्यक्रम में सम्मिलित होने का, इसका श्रेय तो प्रोफेसर अनिल कुमार झा सर को जाता है, जो हमारे शोध विद्यार्थी के माननीय सुपरवाइजर हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए राजनीति शास्त्र के एक पुरोधा है, ही इज अ बिग फिगर इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पर्सनली अ जेम ऑफ ए पर्सन। और मैं विश्वास मनी में मेरा भाग लाने का कार्यक्रम था, लेकिन सर ने मुझे बताया कि कुलपति सर का सम्मान समारोह आज आयोजन होना है, तो आज आपको उपस्थित होना है। अपने कार्यक्रम को इस तरह से बनाइए कि सर का आशीर्वाद लेंगे और इस सम्मान कार्यक्रम में आप शामिल होइए। तो इसलिए मुझे आशीर्वाद मिला सर के इतना सम्मानित होने के कार्यक्रम में। और मैं कुछ संक्षेप में बात करना चाहता हूँ कि सर ने मुझे पहली बार मौका दिया यहाँ पर अपने बात रखने का। आई हैव अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद रिस्पेक्टेड प्रोफेसर एसपी सिंह सर स्पैनिंग ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 40 years, पिछले 40 साल। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम सर वाज अ रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल इन अ वेरी लीडिंग कॉलेज ऑफ पटना, नेशनल पीजी कॉलेज। पहले वो डिग्री कॉलेज हुआ करता था, उसकी कोई गिनती नहीं होती थी लखनऊ में, और उसका नाम भी अनेक दूसरे प्रकार के कार्यों से जुड़ा था। बट विद द एडवेंट ऑफ सर एज द ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, मैं बिल्कुल सर यहां बैठे आप बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं, ये मेरे अंदर आत्मा जानता है, मेरे ईश्वर जानता है कि हमने हमेशा सर हमेशा ही हमारा एक दृढ़ विश्वास रहा है कि सर इज अ बॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ लोग प्रशासक बनते हैं, कुछ लोग प्रशासकीय गुण लेकर पैदा होते हैं। जो साहस, जो इनिशिएटिव, जो लीडरशिप मैंने पिछले 40 सालों में सर के व्यक्तित्व में देखा, उनके नेतृत्व में देखा, इट इज सिंपली इनकम्पेरेबल, इट इज सिंपली अनपैरेलल। बहुत सारे लोग हमने देखा अपने जीवन में, लेकिन मैं एक दो बस बातें बताता हूं व्यक्ति के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, कि जब इन लखनऊ इन उत्तर प्रदेश जब माननीय हमारे अब तो नहीं रहे दिवंगत श्री मुलायम सिंह यादव जी का मुख्यमंत्री काल था, उस समय उन्होंने बहुत अच्छा आदेश जारी किया था कि सारे कॉलेजों में यूनियन चुनाव होने चाहिए, छात्र सभाओं के चुनाव होने चाहिए। अब देखिए जहां छात्रों के चुनाव होते हैं थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज आ जाती है, थोड़ी समस्याएं भी आ जाती है, और कुछ आने भी लगी थी, सारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, कुछ समस्याएं भी थी, लेकिन सर वॉज वन लीडर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। जब सर ने कहा कि अगर चुनाव होंगे तो शांतिपूर्वक होंगे, लेकिन शांति भंग करने के वजह से अगर कोई गतिविधि होती है तो मैं चुनाव नहीं कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव बीन एन आई विटनेस टू दैट थिंग। अब पूरे आप समझ लीजिए माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में संभवतः एक बार भी चुनाव नहीं, क्यों? क्योंकि सर ने डिसिप्लिन को, सर ने एक एकेडमिक एमबीएस को बनाए रखने के लिए जो नेतृत्व किया और जिस तरह से सर ने कन्विंस किया माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारे उच्च अधिकारियों को, सब लोग सर के कार्य से प्रसन्न थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं किया कि आज चुनाव नहीं हुए तो ये हो गया। जो सर की मंशा थी कि यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, शैक्षिक एक ये माहौल होना चाहिए, बाकी सारे सबको आजादी है, सब स्वतंत्रता है। और देखिए पूरा रैंक एंड फाइल फ्रॉम टॉप पॉलिटिकल लीडर, फ्रॉम टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल डाउन टू अ स्टूडेंट, एवरीवन वाज कन्विंस्ड विद सर यू नो लीडरशिप, कभी कोई समस्या नहीं आई। आज वही नेशनल कॉलेज, पहले डिग्री कॉलेज अब पीजी कॉलेज हो गया है और एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हो गई अपने आप में, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लखनऊ यूनिवर्सिटी।
और आज वो कॉलेज में बता रहा हूँ लखनऊ का, लखनऊ में लगभग 300 इस समय डिग्री कॉलेज होंगे आसपास, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, लेकिन नो वन इज लाइक द नेशनल पीजी कॉलेज। मैंने देखा है उसका रूपांतरण होते देखा है। और जब सर हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हुए तो सर ने क्या पाया कल्प किया, मैं क्या बताऊं आपको। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सारी फैकल्टीज हैं जैसे आपके यहां भी हैं, लेकिन एक फैकल्टी क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय 100 वर्ष से पुरानी हो चुकी है, हमेशा डिमांड होती थी भाई यहाँ इंजीनियरिंग फैकल्टी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। सर ने उस कमी को दूर किया एंड सर टुक द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश an engineering college that is engineering faculty in Lucknow University, despite the fact that there is an engineering college in Lucknow which enjoys a status of IIT. उसके बाद भी सबने वहाँ पर establish किया। और मैं बता दूँ 3 साल में किसी आप इतने बड़े engineering college को आप स्थापित कर दे, उसमें सारा recruitment कर दे, teachers का, students का, उसमें प्रवेश हो जाए, running एकदम mode में आ जाए, ये बहुत दुर्लभ, ये बहुत कम देखा जा सकता है। क्योंकि मैं तो वहीं रहता हूँ, वहीं पढ़ाता हूँ, देख रहा हूँ, पिछले साल 90 से देख रहा हूँ, तो बहुत सारे यादें हैं हम लोगों के मन में, हमारे जैसे लोगों के मन में। और सर ने लखनऊ यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर दिया, A+ सर के समय में मिल गया था। और साथ साथ जो वहाँ एकेडमिक एटमोस्फियर सर ने एस्टैब्लिश किया, मैं बता सकता हूँ कि सर की तो एक ऐसी वहां पर ख्याति रही है, क्लास अगर किसी का छूटा तो सीधा बड़े दरबार में पेश होने, ये सामान्य सीधा। पहले हम ही टीचर्स लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो मीटिंग्स होती थी बड़े बड़े माननीय वाइस चांसलर्स लोग करते थे, कभी जाए कभी नहीं जाए, बट विद द कमिंग ऑफ सर एज ऑनरेबल वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी देयर वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर। और सर ने जो कल्चर एस्टैब्लिश कर दिया, थैंकफुली दैट इज कंटिन्यूइंग इवन टुडे। बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, वी नीड गुड टीचर्स, वी नीड गुड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड गुड ट्रेनर्स, बट मोर देन दैट परहैप्स वी नीड गुड लीडर्स, वी नीड गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, because in the absence of a good leader, in the absence of a good administrator, there can be no translation of the vision of a good society. Yatha raja tatha raja. Agar hamara leader mazboot hai to aap samajhe wo hasta bana deta hai kaam karne walon ke humse galti ho jayegi, lekin hamara jo leader hai, hamara jo vice chancellor hai, he is always there to correct me, to reform me, to amend me, and that is, you know, a very big power that is always there in the university. सर ने जिस प्रकार से हम लोग को एक पिता तुल्य होकर हमारे को टीचर के रूप में है, हम लोगों के लिए वास्तव में सर का बहुत बहुत बड़ा ट्रेनिंग रही है। मुझ में तो वो चीज़ें नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेरणा ग्रहण करता हूँ सर से और प्रयास करता हूँ कि सर के आदर्शों को अपने जीवन में कुछ उतार सकूँ, अपने विद्यार्थियों को भी कुछ दे सकूँ, यही मेरा प्रयास रहता है। और बस सर आज मैं समारोह में बस ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि सर आपका